नमस्कार, न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बिहार में नहीं रुक रहा आपसी रंजिश में हत्या का सिलसिला। गया में बदमाशों ने इस बार सफाई कर्मी को बनाया निशाना, गोलियों से किया छलनी। महाराष्ट्र में मामले विवाद पर बहा खून। कल्याण में घर के सामने पानी बहने से गुस्साए परिवार ने पड़ोसी का किया बेरहमी से कत्ल। सभी पर मामले दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी। झारखंड में महिला दिवस पर बढ़ा महिलाओं का सम्मान। वीडियो ने महिलाओं को किया जागरूक। कार्यशाला में शामिल हुई हजारों महिलाएं। और महाराष्ट्र के नागपुर में उड़े जमकर गुलाल। INN के तत्वाधान में पुलिस परिवार के साथ जमकर खेली गई होली। तमन्ना इवेंट ग्रुप आयोजन में बनी भागीदारी। बिहार में पश्चिम चंपारण के ऐतिहासिक बेतिया महाराजा स्टेडियम में महिला दिवस के अवसर पर बिहार सब जूनियर स्पोर्ट मीट 2018 का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिले के 18 प्रखंडों से आए खिलाड़ियों ने मार्च फास्ट किया और अपने मुख्य अतिथि अपर समाहर्ता पश्चिम चंपारण अंसार अहमद को सलामी दी। इस मौके पर जिले के सभी प्रखंडों के खिलाड़ी पहुंचे थे, जो कि प्रखंड स्तर पर हुई प्रतियोगिता में सफल हुए थे। इस मौके पर सबसे पहले खिलाड़ियों को खेल की भावना से खेलने का शपथ दिलाया गया। इस तरंग कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर जिला अपर समाहर्ता और जिला शिक्षा पदाधिकारी ने शुरुआत की और गुब्बारे छोड़े। मुझे जानकर खुशी हुई कि जूनियर स्पोर्ट्स मीट का आयोजन जो है इस जिले में किया गया है और सभी प्रखंडों से आप लोग विभिन्न विधाओं में जीत कर यहाँ आए हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग आपस की प्रतिस्पर्धा के बाद जो हमारे विजयी छात्र छात्राएं होंगी वो स्टेट लेवल के कॉम्पिटिशन में भाग लेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि राज्य स्तर पर भी वो अपना नाम जिले का रोशन करके आएंगे। झारखंड के कोडरमा जिला मुख्यालय में विश्व महिला दिवस पर होने वाले कार्यक्रम को लेकर प्रखंड स्तरीय स्वच्छ शक्ति सप्ताह के तहत कार्यशाला सह प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें चंदवारा जयनगर में रानी मिस्त्री महिला शक्ति समूह का प्रशिक्षण को ले कार्यशाला का उद्घाटन चंदवारा प्रखंड में BDO पल्लवी सिन्हा व जयनगर प्रखंड में BDO अमित कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण व जागरूकता पर चर्चा की गई। इस अवसर पर अमित कुमार ने संबोधित करते हुए कहा कि महिला सशक्त होंगी तभी राष्ट्र का विकास होगा। आज सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाओं को भी सभी क्षेत्रों में अपना परिचय स्वयं बनाना तथा जागरूक होना होगा और अपने अधिकार के लिए लड़ना होगा। सरकार की ओर से उन्हें रानी मिस्त्री को प्रशिक्षण देकर आर्थिक दृष्टि से मजबूत करना है। बिहार के बेतिया मंझौलिया पश्चिम चंपारण प्रखंड क्षेत्र के हरपुर गढ़वा पंचायत स्थित राजकीय उर्दू मध्य विद्यालय गढ़वा भोगड़ी में समाज सेवी सह मुखिया पति ने निजी कोष के लगभग 80,000 रुपए की लागत से नल जल व पानी टंकी विद्यालय को समर्पित किया। इस मौके पर प्रधानाध्यापक दुर्योधन बैठा ने कहा कि अली असगर जी मुखिया पति ही नहीं बल्कि एक बड़े समाज सेवी हैं, जिन्होंने करीब 400 छात्र छात्राओं को अपने निजी कोष से समर्पित किया है, जिससे बच्चों की स्वास्थ्य सुदृढ़ बनी रहेगी। इस नल जल व पानी टंकी लगने से छात्र छात्राओं व अभिभावकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। अपना पर्सनल स्कूल को हमने स्वच्छ पाने बच्चों को मिले और टीचर को मिले, इसलिए हमें अपने स्कूल में समर्पित किया कि बच्चों को जो है स्वास्थ्य पानी मिले, टीचर को पानी मिले जिससे स्वास्थ्य अच्छा रहे। ये मतलब ये साथ निश्चय के नीतीश कुमार ने साथ निश्चय के नहीं अपना नहीं हमने विद्यालय को अर्पित किया। कितनी लागत लगभग 75 रुपया। झारखंड में बाहर से आने वाले लोगों के सहूलियत की खातिर नगर परिषद दुमका के क्षेत्र में पड़ने वाले कई सड़कों का नाम बोर्ड ने पास किया है, ताकि किसी भी व्यक्ति को रास्ते की जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके। इसी क्रम में सदर अस्पताल जाने वाली पथ का नामांकन स्वर्गीय रविन्द्रनाथ रक्षित रखकर सुबह समाज कल्याण मंत्री डॉक्टर लोइस मरांडी के हाथों शिलापट्ट का अनावरण कराया। इस मौके पर समाज कल्याण मंत्री डॉक्टर लोइस मरांडी ने कहा कि दुमका की कई ऐसे सड़क हैं जो नामकरण के अभाव में बाहर से यहां आने वाले लोगों को पता खोजना मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे सड़कों को किसी शहीद या किसी सामाजिक लोगों के नाम से नामकरण कर उसे गूगल के मैप से जोड़ दिया जाए, ताकि बाहर से आने वाले लोगों को किसी समस्या का सामना न करना पड़े। ऐसे में सड़कों के नाम होने शहीदों को सम्मान भी मिलेगा और लोगों की सहूलियत भी होगी। एक अच्छा पहल नगर परिषद के माध्यम से किया गया है और इसे पिछले दिनों भी हम लोग इस
संदेश की सिर्फ आवश्यकता होती है और इससे हम अपने लोगों को कितना मान और सम्मान देते हैं ये दर्शाता है। जैसे अभी अध्यक्ष ने बताया कि जो हमारा नगर पालिका से संबंधित पदाधिकारी रह चुके हों या फिर पार्षद रह चुके हों, चेयरमैन रह चुके हों, जो भी कोई भी इस तरह का सामाजिक कार्य में या फिर शहीदों के नाम से नगर पालिका क्षेत्र में कई कई रोड का नामकरण हुआ है, तो मुझे लगता है इसी तरह से आगे आने वाला समय में भी हम लोग ऐसे एक अच्छा काम करेंगे। बिहार के नवादा में काशीचक ब्लॉक अंतर्गत ग्राम मधेपुर गांव में श्री श्री दुर्गा पूजा समिति सह सेवा जन क्लब के द्वारा 17 से 26 मार्च तक चैती दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर द्वितीय बार यज्ञ का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इसी उपरांत मधेपुर से काशीचक बाजार होते हुए भव्य ध्वजारोहण यज्ञ स्थल पर किया गया। इस कार्यक्रम में रंजीत महतो उर्फ कारू महतो, कुंदन, सुमित, सतीश, प्रीतम एवं अन्य लोग शामिल थे। झारखंड कोडरमा के जयनगर प्रखंड अंतर्गत पूर्वी पंचायत में स्वच्छ भारत मिशन के तहत महास्वच्छता अभियान मुखिया अजमेरी खातून के नेतृत्व में चलाया गया, जिसमें मुख्य रूप से कोडरमा एसपी शिवानी तिवारी एवं प्रमुख जीप सदस्य बीडीओ सीओ थाना प्रभारी सहित सैकड़ों ग्रामीणों ने हाथ में झाड़ू फावड़ा ले गलियों, नालियों व चौक चौराहों की सफाई की तथा कचरा सड़क पर नहीं फेंकने व गंदगी नहीं फैलाने का संकल्प लिया। महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर में आज तमन्ना इवेंट व नागपुर पुलिस IN24 न्यूज द्वारा सूफी होली का कार्यक्रम देशपांडे सभागृह में रखा गया था। नागपुर पुलिस को होली खेलने का अवसर तमन्ना इवेंट बाय AGM द्वारा किया गया था। देखा जाता है कि देश में कोई भी त्योहार के दौरान हम तो अपने आराम से त्योहार मना लेते हैं, खुशियां मना लेते हैं, लेकिन पुलिस अधिकारी व देश के बॉर्डर में तैनात जवानों की खातिर जो हमारी हिफाजत करते हैं वे इस पूरे माहौल से महरूम रह जाते हैं। बिहार में योगापट्टी प्रखंड क्षेत्र पंचायत ढड़वा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय मंगरू मियां के टोला में दिन के 12 बजे ही विद्यालय बंद होने के कारण ग्रामीणों ने विद्यालय परिसर में आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने विद्यालय के प्रधान शिक्षिका के प्रति आक्रोश व्यक्त करते हुए शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद का नारा भी लगाया। अभिभावक मोहम्मद सानी मियां, निजामुद्दीन मियां, नथु पटेल, सुदामा पटेल, आसमा खातून, मराची खातून ने बताया कि यह विद्यालय प्रतिदिन 12 बजे ही बंद हो जाता है। मध्यान्ह भोजन के संबंध में उक्त ग्रामीणों ने बताया कि सप्ताह में केवल दो ही दिन बच्चों को मध्यान्ह भोजन नसीब हो पाता है। वही ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधानाध्यापिका माधुरी कुमारी के बदले उनके पति विद्यालय का संचालन करते हैं। प्रधानाध्यापिका माधुरी कुमारी के तनाशाही रवैये के चलते छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार में जाता दिखाई पड़ रहा है। मैडम के पति पढ़ाते हैं स्कूल में? हाँ, वो भी आते हैं, कभी मैडम भी आती है, दोनों बारे बारी बारी से आते हैं। दोनों बारे बारी से आते हैं पढ़ाने के लिए? हाँ। कौन क्लास में पढ़ते हैं? पहला। स्कूल का है बंद? बारह बजे का है बंद हो जाता है? कभी एक बजे, कभी बारह बजे, रोज इसी तरह होता है। हाँ? हाँ। खाना मिलता है? हाँ। क्या नाम है? कौन स्कूल में पढ़ते हो? कब स्कूल बंद हुआ है? बारह बजे का रोज बंद हो जाता है? 12 बजे? झारखंड में गुमला के बसिया थाना क्षेत्र के थाना चौक के नजदीक प्रतिबंधित मांस बरामद किया गया है। गुप्त सूचना मिलने पर टेम्पो से करीब 50 केजी मांस बरामद किया गया। वही चालक समेत दो व्यक्ति हिरासत में लिया गया है।
झारखंड में समाज कल्याण विभाग दुमका के बैनर तले आउटडोर स्टेडियम में विधिक जागरूकता कार्यशाला सह दिव्यांग यंत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। आयोजित इस समारोह का उद्घाटन झारखंड के समाज कल्याण मंत्री डॉक्टर लोइस मरांडी ने दीप प्रज्वलित कर किया। समारोह में मंत्री लोइस मरांडी ने दिव्यांग के बीच ट्राईसाइकिल कन्यादान और गोद भराई योजना के तहत महिलाओं को लाभ के साथ साथ कई महिलाओं को तेजस्वनी योजना के तहत नियुक्ति पत्र का वितरण किया। इस मौके पर समाज कल्याण मंत्री ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों के आयोजनों से महिलाओं को कानून की जानकारी मिलेगी और जागरूक होकर उनके अधिकार और हक जान पाएंगे। उन्होंने ऐसे कार्यक्रमों को पहल करते हुए अधिक से अधिक करने को कहा। मौके पर डीएल से दुमका के सचिव निशांत कुमार, डीडीसी शशि रंजन और महिला बल विकास के पदाधिकारी सहित काफी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। कई सारे कानून की जानकारी उनको दी गई है जो कभी इन लोगों ने सुना नहीं था। मुझे लगता है इस तरह का कार्यक्रम छोटे ही स्तर में हो लेकिन होना चाहिए ताकि वो अपने बचाव के लिए कानून का जानकारी वो रख सके। और काफ़ी लोग खुश थे या उत्साहित हैं कि इस नए चीज़ों या नया कार्यक्रम देखिए। तेजस्विनी योजना के तहत दुमका जिला फर्स्ट फेज में है और उसी का आज हम लोगों ने नियुक्ति पत्र भी दिया है जो कि हमारा किशोरी लड़कियों के क्षेत्र में काम किया जाता है कुपोषण या और उससे ऊपर जो किशोरी एनेमिक इस टाइप के लोग रहते हैं तो आत्मनिर्भर होने के लिए तो ये जो आज हम लोग दिए हैं उसका ट्रेनिंग आज से शुरू भी हो रहा है। ट्रेनिंग होने के बाद फिर आप लोगों को दिखने लगेगा कि यह काम किस तरह का चल रहा है और उसका लाभ कैसे होगा। चूँकि आज तो स्टार्ट हो रहा है तब आपको अभी समझ में नहीं आएगा, दिखेगा तो फिर पब्लिक को भी समझ में आ जाएगा। बिहार के समस्तीपुर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा में काम करने वाले दैनिक मजदूर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर दैनिक मजदूरों के द्वारा विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया गया। आज से शुरू हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल की प्रमुख मांगों में छटनी ग्रस्त दैनिक श्रमिकों को छटनी की सूचना दी जाए, साथ ही छटनी मुआवजा तथा ग्रेच्युटी का भुगतान की जाए। बेगूसराय श्रम न्यायालय के द्वारा मजदूरों को लेकर दिए गए आदेशों को लागू करने साथ ही विश्वविद्यालय में कार्यरत दैनिक मजदूरों का मानदेय 18,000 रुपए करने सहित कुल 6 मांग शामिल हैं। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के आंदोलन की रह अपने मजदूरों का कहना है कि जब तक विश्वविद्यालय प्रशासन उनकी मांगों को नहीं मानती सभी दैनिक मजदूर विश्वविद्यालय में अपने अपने कामों से अलग रहेंगे। आइए बढ़ते हैं क्राइम की खबरों की ओर। बिहार में जमीनी विवाद में एक 8 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई। घटना नालंदा जिले हिलसा थाना क्षेत्र के बुढ़वा महादेव स्थान इलाके की है जहां 8 वर्षीय बच्चे को अपराधियों ने गोली मार दी और गोली लगने से बच्चे की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। मृतक के परिजनों ने बताया कि नालंदा जिले के हिलसा थाना क्षेत्र के उगन विघा गांव निवासी राजेंद्र महतो का 8 वर्षीय पुत्र आलोक कुमार अपनी माँ गायत्री देवी के साथ अपने घर में सो रहा था। इसी दौरान बुढ़वा महादेव स्थान के पास गांव के लोगों ने घर में घुसकर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि घटना के पीछे की वजह जमीनी विवाद के अलावा अवैध संबंध की भी बात सामने आ रही है क्योंकि एक ही घर में जब बच्चे और मां दोनों सो रहे थे तो फिर मां की जगह बच्चे को ही गोली क्यों मारी गई? आखिर 8 साल के बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा होगा? परिजनों ने बताया कि बच्चे ने अपनी मां को किसी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया इसलिए बच्चे को ही गोली मार दी क्योंकि मृतक बच्चे की मां अपने पति के साथ नहीं रहती थी और मृतक अपने परिवार में इकलौता पुत्र था। पुलिस फिलहाल मामले की जाँच कर रही है। इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। सोया हुआ था तो जंगल में रह के मतलब क्या हुआ कि एक औरत रहता है अचार को तेरे पास आदमी है मर्दाना वो भी सो रहा है एक ही रूम में तुम भी सो रहा तो गलत सामान था इसके कारण ही बेटा का भी मरवा दिया तू लोग। इसको जमीन बोला होगा कि लिख देंगे तुमको 2 कट्ठा रजिस्ट्री के फेरा में सोचा कि हम करोड़पति बन जाएंगे करोड़पति का बनेगा खाकपति बना दे कोई थोड़ा एक को बेटा था। हाँ यही वो है था। अब हो सकता कि एक नाम से रजिस्ट्री कराया है कि का कराया जो भगवान जाने ज़्यादा भूत अब था वो लोग मैंने पति के साथ वो नहीं रहती थी। नहीं रहते थे आते थे माने के आते थे तो फिर इन्हें कादरी है वो रहते थे ये भी मरीज 4 दिन से हमको धान उन पिटा रहा था गांव में वही में तो वही में घर पर ही रह गए।
बिहार के गया में कोतवाली थाना क्षेत्र के गोल बगीचा मोहल्ले में नगर निगम में निजी कर्मचारी कुंदन राम को उस वक्त अपराधियों ने गोलियों से छलनी कर दिया जब वह अपने घर से अपनी साथी के साथ ड्यूटी करने गोल पत्थर जा रहा था। तभी पहले से घात लगाए अपराधियों ने कुंदन राम को आते ही सभी अपराधी गोली चलाने लगे। गोली लगने के बाद भी कुंदन राम एक घर में छिप गया। वही अपराधियों ने घर में घुसकर कुंदन राम को गोलियों से छलनी कर दिया। बताया जा रहा है कि उसे 12 गोली मारी गई है, लेकिन पुलिस 5 गोली लगने की पुष्टि कर रही है। कुंदन राम निजी सफाई कर्मी है। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस आकर घटना का जायजा लिए और शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया। वही अपराधियों के पकड़ने के लिए छापेमारी तेज कर दी गई है। हमने साथ में जा रहा था डिप्टी, वो आगे निकल गया, हम जरा पीछे थे, तलब कलब कल हमने जरा दोनों साथ में मिल गई। पिछड़ा डिप्टी कुबेर हो जाए 7:45 बजे कुबेर हो जाए थे सर, जब जमदार डांटता हमने के डांटता है तो उन्ने से आया बैंक वाला ढांच ढांच चलावे लगा सर, वो खंडी था हम गिर गए सर, गोला पूरा छिला गया। और वो लड़का हमारे जो हमारे जो था कुंदन बाबू घर में ले गया, गोली मार दिया सर। कितने लोग थे वो लोग? उन लोग हम 3 आदमी देखे ना सर। किस चीज़ पर सवार थे वो? पूरा मुरेठा उरेठा बांध रहा था, काला बाइक से था। क्या बाइक से था? बोली बाइक से था, बाइक से था। शुरू तो मेरा बेटा हमको चाय दिया भोर सुबह, सुबह चाय दिया तो कहते माँ जब पी ले ये जा रहे डिप्टी, हमको बेटा डिप्टी दिया और डिप्टी के बाद हमको मोर बोल पत्थर पहुँचो ना कर रहा हमको बेटा के गोली तो ठोक। मटका के दिन गए थे दारू लेने के लिए, 11:22 हुआ था, महेश यादव गए थे गबड़ा के पास, ठीक ना, वहाँ पे गए सबको दारू दे रहा था, हम लोग के नहीं दे रहा था, अरे दारू ना जो यहाँ से टणिया के बोल दिया, तो हमने भैया दारू ना दे तो कब बोले तो ना अरे हम दारू लेके जाएंगे, तो चल तो पहले वहाँ हुआ पूरा बोला बसी हुआ, तना तनी हो गया मारा मारी तक हो जाता तो हम कंपराज कर देना ना छोड़ छोड़ ना देना, तय भी वही सब जिगर वाला आदमी है दारू ले ही के आया, वहाँ पर 3-4 गो लड़का था बहुत घुघरा के देख रहा था समझे, तो हमने सब ऐसे देख रहा, यही बात हुआ। फिर हम वहाँ से कौन है वहाँ के बॉस है कहाँ रहता है? बाप का नाम क्या होता है? विष्णु यादव। क्या वो दारू बेचता है? दारू बेचता है, उसी के पास लाने के लिए वही लोग के पास गए थे दारू लाने, सबको दे रहा था हम लोग को नहीं दे रहा था, वही चलते हम लोग बोले भाई कहा दे तू पैसा ले, अब कुछ बढ़ा के तू ले ले, तो हमने दे दे। तो क्या लगता है हत्या के पीछे उसका साजिश? हमको डॉट वही है समझे, वो भी हो सकता है। आपको पता है हम ऑफ द रिकॉर्ड बता देंगे कुंदन है उसको गोली मारा है। किसने मारा है अब ये तो बता देंगे लोग। कहाँ पर घटना हुई थी सर? मुरारपुर में। किनके द्वारा मारा गया है कुछ जानकारी? अभी नहीं है। क्या नाम था मृतक का? कुंदन। कुंदन क्या करते थे? सफाई कर्मी है। ये कितने बजे घटना है सर? सुबह 6 बजे, 6:30 का। परिजनों का क्या कहना है, किस पे आरोप लगा रहे हैं? अभी पूछेंगे, अभी पोस्टमार्टम होगा उसके बाद, ठीक ना। अब पुलिस क्या कार्रवाई करेगी सर? करेगी, गिरफ्तार करेगी। नशा का मतलब नाश होता है। नशा करने वाले लोगों से बेहतर समाज के निर्माण की कल्पना नहीं की जा सकती है। अधिकांश आपराधिक वारदातों का मुख्य कारण भी नशा ही होता है। उक्त बातें प्रशिक्षु DSP साजिद जफर ने मंगलवार को झारखंड में जमुआ देवघर मुख्य मार्ग पर टीका मघा के निकट साई ढाबा होटल में छापामारी के दौरान कही। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को गुप्त सूचना के आधार पर उक्त होटल में छापामारी की गई, जहां बड़ी मात्रा में विदेशी शराब पकड़ा गया। मौके पर प्रशिक्षु DSP साजिद जफर ने पत्रकारों को बताया कि पिछले दिनों होली त्योहार के अवसर पर जमुआ थाने में हो रहे पीस कमेटी की बैठक में सदस्यों ने जमुआ में अवैध शराब की बिक्री एवं गोरख धंधे करने वालों पर नकेल कसने की बात सदस्यों द्वारा प्रमुखता से उठाया गया था। हमें गुप्त सूचनाएं मिली तो आज हम लोगों ने साइड हवा में छापा मारा। हमारे टीम में मैं था, मेरे ड्राइवर थे, बॉडीगार्ड थे और 2 सिपाही थे। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो काउंटर में एक टेबल था, उसके में हमें शराब मिली, फिर उनके फ्रिज में भी शराब मिली, तो मुझे शक हुआ यहाँ कहीं ना कहीं तो और शराब हो गई। तो फिर हम लोगों ने उनके गोडाउन में छापा मारा, एक गोडाउन का ताला तोड़ा तो वहाँ से हमें 84 पेटी सील मिला है शराब। एक रॉयल स्टैग का ओपन है, खुला हुआ है, उसमें 23 बोतल है। एक और रॉयल स्टैग ओपन है, उसमें 8 बोतल है और बियर की 19 बोतल मिली। इसकी सूचना हमने तुरंत SP साहब को दे दी, जो हमारे गिरडी पुलिस का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें दे दिया है। यहाँ के थाना प्रभारी को बताया, थाना प्रभारी ने फिर पेट्रोलिंग पार्टी को भेजा, 4-7 गाड़ी को भेजा और हमें शराब बरामद करके यहाँ थाना में लेकर आ गए। आज जमुआ प्रखंड के तमाम जनता
3,20,000 जनता को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि ऐसे नौजवान डीएसपी जो मिले हैं 50% नहीं 75% जो है सो आज हम लोग जो देख रहे हैं, दारू की बात हो या और कहीं अशांति की बात हो, पूर्ण सहयोग है और ये 5 मिनट से 10 मिनट में पहुँचने का काम करते हैं। हम तमाम जमुआ प्रखंड के तमाम जनप्रतिनिधि और उप प्रमुख के नाते बहुत सारी ढेर बधाई इनको देते हैं और आशा और उम्मीद करते हैं कि जमुआ थाना नहीं जमुआ प्रखंड एक दिन मेरा ऐसे ऐसे पदाधिकारियों से अव्वल आएगा। हमने बड़े बड़े अफसरों को देखा कि दो तीन को हमको ऐसे ऐसे अवसर मिले जो कि जमुआ प्रखंड को आगे रास्ता बताने वाले और अच्छे हमारे अफसर चले जाते हैं तो हम फिर बिखर जाते हैं। आज जो शराब जो आज पकड़ा गया है हमने मानव समाज को प्रेत बनाने वाला है, अब प्रेत को बचाने के लिए हमें मानव समाज को मनुष्य के रूप में धारण करने के लिए आज पकड़ा गया है। ये शराब बहुत से बड़े बड़े बेटी बहू को भी बर्बाद कर दिया है और बड़े बड़े समाज सेवियों को, गांव वालों को, इंसानों को इन लोगों ने कोठिया बना के रख दिया है मारपीट करके, जो आज मेरा दिमा प्रखंड एकदम ख़त्म है। अगर ऐसे पदाधिकारी हमारे दिमा प्रखंड में SP DSP आ जाए तो जमुआ जिला भर में जमुआ एक नंबर में हमारा विकास में रहेगा। बिहार में नालंदा इलाके के छोटी किनार गांव में जमीनी विवाद को लेकर अपने ही चाचा को गोली मारकर मौत के घाट उतारने वाले आरोपी भतीजा को पुलिस ने पटना से गिरफ्तार कर लिया है। गोली मारने के बाद से वह पटना कॉमर्स कॉलेज के समीप छिपकर रह रहा था। DSP निशिंत प्रिया ने बताया कि मृतक विवेकानंद यादव के 3 पुत्री थी जिसके कारण उनका भतीजा अरुण जबरन उनके हिस्से का जमीन लिखवाना चाह रहा था। इसी कारण विवेकानंद और उनके भतीजा अरुण यादव से विवाद चल रहा था। इसी विवाद के कारण अरुण ने पिछले 12 फरवरी को उन्हें गोली मारकर जख्मी कर दिया था, जिसके बाद इलाज के दौरान 20 फरवरी को उनकी मौत हो गई। गोलीबारी के बाद अरुण गांव छोड़कर पटना भाग गया था और पटना कॉमर्स कॉलेज के समीप एक रिश्तेदार के पास छिप कर रह रहा था। सरमेरा थाना में 19/18 एक कांड प्रतिवेदित हुआ था जिसमें 12 फरवरी को अरुण यादव के द्वारा अपने ही चाचा विवेकानंद यादव को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया था, जिस संदर्भ में 20/2/18 को इसकी मृत्यु हो गई थी, मृत्यु हो चुकी है। ये मामला जमीन से जुड़ा हुआ विवाद था। इसके चाचा को कोई बेटा वगैरह नहीं था, 3 बेटियां ही थी, तो अरुण यादव की प्रबल इच्छा थी कि जितने भी जमीन है सब इन्हीं को लिख दिया जाए। इसी संदर्भ में दोनों पक्षों के बीच में मारपीट हुई थी जिसमें गोलीबारी हुई और वो उनकी मृत्यु हो गई। इस संदर्भ में ये अभी कुछ दिनों से फरार चल रहा था। जयप्रकाश यादव CI अस्थावा और SHO सरमेरा के नेतृत्व में एक टीम की गठित की गई थी इसकी गिरफ्तारी के लिए। पटना कॉमर्स कॉलेज के पास से इसकी गिरफ्तारी की गई है। झारखंड सरकार सबका साथ सबका विकास करते नहीं थकती। वही गुमला जिले के तेलगांव पंचायत गढ़सारू गांव के समीप सड़क जर्जर होने के कारण झारखंड छात्र संघ के नेता चक्का जाम किए, जिसमें हजारों की संख्या में महिला पुरुष रोड पर उतरे और झारखंड सरकार के विरोध में नारे लगाए। गुमला जिला मुख्यालय के करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर सड़क की हालत ऐसी जर्जर है। इसकी परेशानी को देखते हुए छात्र संघ के नेता रोहित भगत 1 महीने पूर्व जिला प्रशासन को आवेदन दिए, लेकिन अब तक कोई कार्य नहीं हुआ। विवश होकर आज सड़क जाम किए। हम हमेशा देखते आ रहे हैं, यहाँ जब तक हम एक स्टूडेंट थे स्कूल जा रहे थे उस टाइम से लेकर अभी तक सड़क का दुर्गति जस का तस बना हुआ है। हम जिस समय पंचायत चुनाव में आए उस समय हम ग्रामीणों को वादा किए कि हम अपने स्तर से कोशिश करेंगे और गुमला से लेकर कम से कम यहाँ का रोड, मतलब गुमला के जहाँ तक होता है बाहटी घाट तक, ठीक कराने का हम गांव वालों से हम वादा किए हैं, लेकिन आज तक हम अपने स्तर से यहाँ का विभागीय अप्लीकेशन दिए, फोटो सहित वीडियो को दिए, जिला परिषद को दिए, DC तक दिए, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आश्वासन मिलता है उसके सिवाय कुछ नहीं मिलता है। DPR हुआ है, टेंडर होगा, 5 साल तय होते हैं, आज तक केवल पब्लिक भोले भाली जनता को सरकार ठगती है, उसके सिवाय कुछ नहीं देती है हम लोग। इस रास्ता में आए दिन बड़ा बड़ा दुर्घटना हो रहा है। कोई भी डिलीवरी पेशेंट को अगर गांव से उतार रहा है तो रास्ता में ही उसका डिलीवरी हो जा रहा है और ये हम लोग के लिए बहुत शर्म की बात है कि ना ममता वाहन वहाँ जा पाती है ना कुछ, नहीं अपना गाड़ी से कोई लेकर आता है, जैसे सवारी गाड़ी सब उस सब गाड़ी में लेकर के आता है। और आए दिन सरकार बोलती है कि ये रोड का DPR बन गया है, टेंडर होने वाला है। आज से नहीं, कितने दिन से सुनते आ रहे हैं, ना इसका टेंडर हो रहा है ना DPR बना है, कुछ नहीं हुआ है। सबसे बड़ा मुद्दा यही है जाम करने का कि ये रोड जितना जल्दी हो सके बन जाए। लोग इससे पूर्व 1 महीना पहले साधारण तरीके से हम लोगों ने जिस हिसाब से अनुरोध किया था रोहित भगत जी के माध्यम से,
लेकिन एक महीना बीत जाने के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया। तब अंत में विवश होकर ये सड़क जाम किया जा रहा है। और अगर अभी आप लोगों के माध्यम से सूचना करें आप लोग और प्रशासनिक पदाधिकारी अगर यहाँ पर आके उचित आश्वासन नहीं देते हैं और वो भी लिखित रूप से कि 2 महीना के अंदर ये सड़क बनेगा, तब तक ये जाम हटने नहीं जा रहा है। अब हम चूँकि आप लोग खास वर्ग हैं, चौथा स्तंभ हैं, इसीलिए आप लोगों को आगे आना होगा, मदद करना होगा। आप लोग अविलंब प्रशासनिक पदाधिकारियों को सूचित करें कि इस तरह का जाम लग चुका है, काफ़ी ग्रामीण जुट चुके हैं और जब तक वो उचित आश्वासन आकर नहीं देते हैं तब तक ये जाम हटने नहीं जा रहा है, ऐसा हम लोगों का कहना है, इन सभी ग्रामीणों का कहना है। आज हम लोग ये गुमला विधानसभा के ये पश्चिमी छोर है और ये गुमला, चैनपुर और रेडी प्रखंड के कई गाँवों को जोड़ने का यह मुख्य पथ है और यह काफ़ी विगत कई वर्षों से यह काफ़ी जर्जर स्थिति में है और इसमें प्रत्येक दिन बड़ी दुर्घटनाएं हो रही है और इस सड़क से कम से प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में छात्र, नौजवान और कितने मजदूर गुमला की ओर, गुमला मुख्यालय की ओर जाते हैं और इसमें बहुत बड़ी परेशानी का सामना, हमारे सबसे बड़ी तो छात्र जो है उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है और कई बड़ी गाड़ियां भी चलती है जो कि जान को जोखिम उठाकर चलती है और कितने बड़ी दुर्घटनाएं घट चुकी है इसमें। महाराष्ट्र के कल्याण में कपड़े धोने का गंदा पानी घर के सामने जमा होना यह एक व्यक्ति की मौत का कारण बन गया। घटना कल्याण से सटे अंबरनाथ के डबलपड़ा नामक गांव की है, जहां आरोपी रमेश महात्रे और उसके गुर्गों ने पड़ोस के राणे परिवार पर धावा बोल दिया और कुल्हाड़ी, लोहे की रॉड जैसे जानलेवा हथियारों से जमकर पिटाई की, जिसमें ज्ञानदेव राणे की मौत हो गई तो बाकी 5 लोग मौत से जूझ रहे हैं। इस मामले को 2 दिन बीतने के बावजूद किसी भी तरह की गिरफ्तारी न होने से राणे परिवार नाराजगी जताते हुए पुलिस की कार्यक्षमता पर सवाल खड़े कर रही है। शनिचर को ऐसे हुआ गया, सुबह को मेरी मिसेज और भाभी कपड़े धो रही थी, कपड़े धोते वो पानी थोड़ा सा रोज का वो जाता है, मतलब वो रोड से जाता है, उनके घर पे भी नहीं जाता है, वो रोड में उसने पूरा पत्थर डाल के पूरा बांध बनाया उधर। तो मेरी माँ पूछने के लिए उसको गई तो माँ को गाली भी ले दी, अम्मा घर पे आई तो भाभी, मेरे मिसेज को भाभी को बताने लगी ऐसा ऐसा है, तो भाभी और मेरी मिसेज गई तो उसने उनकी मिसेज है दोनों की, वो मिसेज ने उनको मारना चालू किया। वो चुपचाप घर पे आई, एक भाभी थी वो नीचे गिर गई तो मेरी मिसेज उठाने के लिए गई मेरे मिसेज को भी उसने बहुत मारा, उसने लेडीज ने उसके साथ में और जो 4-5 आदमी थे उनके गुंडे वो अंदर बैठे ले थे, जब हमको मारने चालू था हमको दिखाई ना दिया कौन था और कौन किसने मारा, ये तो लोग थे हमारे गाँव वाले, वो तो हमने पहचाना और उनके पास कट्टे बिट्टे था, वो 4-5 आदमी था, जब हम निकले ना तभी वो 2-व्हीलर पे उनका ये गार्डियन प्लेट नहीं था, वो रुमाल बांध के सीधे चले गए इधर से, हमारे गाँव वाले ने सबने देखा हमको बताया आके, तो हम तो 3-4 दिन तो हॉस्पिटल में ही था उनके पास में, भाई के पास में। बिहार के बेतिया शहर के मुख्य पथ जिला समाहरणालय और बेतिया पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बीचों बीच आज दोपहर एक टाटा इंडिगो गाड़ी में अचानक आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। कुछ पल के लिए दोनों तरफ कुछ ही सेकंड में सैकड़ों गाड़ी लग गई, सभी एक दूसरे की तरफ भागते हुए नजर आने लगे। गाड़ी में सवार सभी आनंद फानन में उतर अपनी जान बचाए। गाड़ी के चालक और वहां पहुंचे सिपाही की सूझबूझ से आग पर तत्काल काबू पा लिया गया, नहीं तो एक बड़ी घटना हो सकती थी। अभी प्रचंड गर्मी शुरू भी नहीं हुई कि गाड़ी में आग लगने की आज पहली घटना हो गई। हालांकि वहां लोगों और गाड़ी चालक की सूझबूझ से तत्काल आग पर काबू पा लिया गया और आग को पूरी तरह से बुझा दिया गया। राजस्थान के बिचौलिया में रोडवेज बस स्टैंड के पास आबादी क्षेत्र में खड़े हुए एक ट्रक में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। मोहल्ले वासियों ने घरों में स्थित टंकियों से पानी की मोटरें चलाकर आग पर काबू पाया, जिससे हादसा होने से टल गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं लग पाया है। राजस्थान के बिचौलिया में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीणों के स्थायी वरीयता सूची में नाम जोड़ने के आवेदनों पर पटवारी द्वारा सत्यापन की कार्रवाई में की जा रही लेट लतीफी और पटवारी के कार्यालय समय से 2 घंटा देरी से पहुंचने पर ग्रामीण भड़क गए और पटवारी भवन में हंगामा खड़ा कर दिया।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन की अंतिम तिथि 8 मार्च है। लोगों का कहना है कि पीएम मोदी गरीबों के लिए अच्छी योजनाएं चला रहे हैं, मगर नौकरशाही की लापरवाही के चलते लोगों को पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। बिहार में समस्तीपुर जिला परिवहन मजदूर यूनियन और बिहार राज्य परिवहन मित्र कामगार संघ के द्वारा समस्तीपुर जिला परिवहन कार्यालय पर सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोग परिवहन कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार और जुगाड़ गाड़ी पर रोक लगाने सहित अन्य मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों का बताना है कि परिवहन कार्यालय में करोड़ों का घोटाला है। कार्यालय के कर्मी संजय कुमार के द्वारा लोगों से अवैध रुपए लिए जाते हैं। परिवहन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच हो, साथ ही उनकी अन्य जो मांगे हैं उस पर अविलंब कार्यवाही हो। हमारा मांग है, सब पहले यहाँ बहुत भ्रष्टाचार है। इसका एक कलर का संजय सिन्हा जो पहले पैसा लेके कागज पर जनवरी से लाल मार्का लगाता है और तभी उसका लाइसेंस बनता है, इससे करोड़ों का घोटाला है। हमारा मांग है कि नया प्रावधान में स्पीड गवर्नर नाम करके मोटर में मशीन लगाना है तो वो सरकार लगाएगी, प्राइवेट लोगों से हम नहीं लगवाएंगे। और सरकार कंपनी को दे कि नई गाड़ी में वो लगे, जो गाड़ी पहले से रोड पर है वो उस लॉ के अधीन नहीं आता है, चूँकि कानून है, जिस दिन से कानून बना उस दिन से प्रभावित होगा। तो हमारा पुराना रजिस्ट्रेशन, पुराने रजिस्टर्ड गाड़ी पर ये स्पीड ब्रेकर गवर्नर नहीं लगना चाहिए। लेट पॉइंट राजस्थान हाईकोर्ट और तमिलनाडु हाईकोर्ट ने ऑटो पर तमाम पर परमिट पॉल्यूशन पर लेट फाइन को मुक्त कर दिया है। उसके रोशनी में भी हमारे बिहार में समस्तीपुर में भी फाइन का प्रावधान बंद होना चाहिए। सिविल लगा करके ड्राइवरों को व्यावसायिक लाइसेंस मिलना चाहिए। मालवाहक गाड़ी पर माल का लोड होना चाहिए, पैसेंजर गाड़ी पर माल लोड करने का प्रावधान को बंद कराया जाए, ये कानून को लागू कराया जाए, ये सारे हमारे मांग है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहें INN24 पर। नमस्कार।